सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी जरूर दबाइए। एक बार गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक सिद्ध ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जब श्वेत अपनी आयु पूरी कर चुके थे तब यमदूत उन्हें उनके घर पर लेने पहुंचे, लेकिन वे घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब स्वयं मृत्युदेव उनके घर आते हैं और श्वेत के घर में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर पहुंचकर वह देखते हैं कि श्वेत की रक्षा भैरव बाबा कर रहे हैं। भैरव बाबा ने मृत्युदेव से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मृत्युदेव ने उनकी बात नहीं मानी और श्वेत को अपने साथ ले जाने लगे। भक्त पर मृत्युदेव का यह आक्रमण देखकर भैरव बाबा को सहन न हुआ। भैरव बाबा ने मृत्यु पर प्रहार कर दिया। भैरव बाबा के गंभीर प्रहार से मृत्युदेव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज उस श्वेत ब्राह्मण के घर आ जाते हैं। उन्होंने श्वेत पर यमदंड से प्रहार कर दिया। वहां पर कार्तिकेय भी मौजूद थे जो भैरव बाबा के साथ श्वेत की रक्षा कर रहे थे। भगवान कार्तिकेय और यमराज के मध्य भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में यमराज का संहार कर दिया जाता है। इसी के साथ मृत्यु की सजा देने वाले यमराज की भी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सूर्यदेव विचलित हो जाते हैं, क्योंकि यमदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। पुत्र को मरा हुआ देखकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। सूर्य के तप से भोलेनाथ प्रकट होते हैं और शिव जी ने नंदी के द्वारा गौतमी यानी गंगा गोदावरी का जल मंगवाया और यमदूत और यमराज पर छिड़कवाया। तत्काल सभी स्वस्थ होकर जीवित हो गए। तो इस तरह से यम के देवता यमराज की मृत्यु भी एक ब्राह्मण के कारण हो गई थी, लेकिन शिवजी के द्वारा गंगा जल दिए जाने पर वो दोबारा से जीवित हुए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।